नवग्रह मेला मैदान पर इस बार धोती पहने 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। पुतला निर्माण में जुटे कलाकार पुतले को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। विजयादशमी यानी मंगलवार को अट्टाहस करते हुए पुतले का आतिशबाजी के बाद दहन किया जाएगा। रावण दहन को लेकर इस बार कलाकारों ने पुतले को नया स्वरूप दिया है। पुतला निर्माण कर रहे कलाकार प्रमोद चौहान ने बताया कि इस बार अंग प्रदर्शन करते हुए बलशाली रावण के पुतले का निर्माण किया जा रहा है। सूर्यवंशी पिछले 10 दिनों से पुतला निर्माण कार्य में जुटे हैं। विशालकाय इस पुतले के निर्माण में इस बार परिवर्तन करते हुए केवल धोती पहनाई जाएगी, जबकि पेट के हिस्से में चित्रकारी कर आभूषण पहनाए जाएंगे। हाथ में तलवार और ढाल होगी। चौहान ने बताया रावण पुतला निर्माण भी महंगाई से अछूता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। 51 फीट का रहेगा नवग्रह मेले के लिए, और इसमें विशेषता यह रहेगी कि इसे कपड़ा न पहनाते हुए धोती पहनाएंगे। पूरा अंग प्रदर्शन करता हुआ रावण दिखेगा इस बार, जो काफी लुक में अच्छा दिखेगा। ये मेरा प्रयास है खरगोन जनता के लिए, इस बार मैं कुछ नया करूँ जिससे मुझे भी सीखने का मौका मिले और एक बार और अच्छा रावण बने, ताकि श्रोता ज्यादा खुश रहे अपने से और मुझे ज्यादा काम मिले। कितने दिन से बना रहा ये? लगभग 10 से 12 दिन हो गए मुझे रावण बनाते बनाते, और मेरे साथ जो मेरी टीम है वो बेचारा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। हम रात के 12-12 एक एक बजे रात को सो रहे हैं, और महंगाई के दौर में भी रावण का बजट वहीं का वहीं है। जो रावण 2 लाख के करीब होना चाहिए वो आज 1 लाख रुपये में बन के तैयार हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस बात को आगे तक बढ़ाएं और कुछ पैसा बढ़ाने के विचार में रहे नगर पालिका। अपने यहाँ कहाँ से कहाँ तक बन रहे? अपने पास 21 फीट का रावण है और उसके साथ ही साथ 51 फीट का रावण है। इसमें किन चीजों में का इस्तेमाल होता है और किन चीजों में, किन चीजों में भाव बढ़े हैं और नगर पालिका? देखिए, बांस तो मुझे 100 से 150 रुपए का बांस मिल रहा है, 100 रुपए किलो का तार मिल रहा है, और कपड़ा जो अपन लाते थे 70-80 रुपए मीटर का, वो 100-150 रुपए मीटर का कपड़ा मिल रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद चौहान है, मैं खरगोन में रहता हूँ, गुंडा नगर में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।